गाजीपुर में कोरोना का संक्रमण फैलता ही जा रहा है, रोज नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार यानी आज 42 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर ये है कि आज मिले मरीजों में पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह भी शामिल हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी कुल 48 कोरोना के मरीज पाए गए थे। आइए आपको आज मिले कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। आज मिले मरीजों में से 4 मरीज कोट मोहल्ला चीतनाथ के, 6 मरीज मिश्र बाजार के, तो 2 नवाबगंज गाजीपुर के रहने वाले हैं। 1 मरीज पहाड़पुर खुर्द, 1 करकटपुर भरौली कला पंजुम गाजीपुर, 1 मरीज मर्दानपुर सादात, 1 MAH इंटर कॉलेज, 1 कचहरी रोड लंका, 2 भट्टी मोहल्ला मोहम्मदाबाद, 1 रघुअरगंज मोहम्मदाबाद और 1 मोहम्मदाबाद गाजीपुर के पाए गए हैं। 1 तहसीलदार कार्यालय का कर्मचारी भी आज मिले मरीजों में शामिल है। वहीं 1 मरीज नाथूपुर जमनिया, 2 मरीज वार्ड नंबर 23 सदर रोड मोहम्मदाबाद के भी पाए गए हैं। 1 मरीज बड़ी बाग, 1 मरीज अष्टभुजी कॉलोनी, 1 मरीज तिलसड़ा बिरनो, 1 मरीज सिंचाई विभाग चौराहा, 2 मरीज उसिया भदौरा के, 1 मरीज वार्ड नंबर 8 मोहम्मदाबाद के भी पाए गए हैं। 1 मरीज यादव मोड़, 1 मरीज विवेकानंद कॉलोनी सादर गाजीपुर, 2 मरीज जिला अस्पताल गाजीपुर, 1 मरीज नौली रेवतीपुर, 1 मरीज मुंडेरा नौनहरा, 1 मरीज जमानिया PHC के भी पाए गए हैं। आज मिले मरीजों को मिला लें तो गाजीपुर में अभी तक कुल 771 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। हालांकि 492 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। कोरोना वायरस के कारण जिले में 9 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसके बाद अब जिले में कोरोना के कुल 271 एक्टिव केसेस हैं। हमारी आपसे अपील है कि इस कोरोना काल में आप अपना ख्याल जरूर रखें और सरकार द्वारा गाइडलाइंस का जरूर से पालन करें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।